उषा जी चाय। हेलो, अरे नहीं भाई, ये फायर ब्रिगेड नहीं है, ये टेलीफोन एक्सचेंज का ऑफिस है। केटीएनएल। बड़े साहब, बड़े साहब, पाटे जी, ट्रेन 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 ट्रेन। अब यार बोल रहे चाय। क्या पांडे जी, आप भी बिना कनेक्शन के टेलीफोन की तरह बजते ही रहते हैं। हम क्या करें साहब, हमारे टेलीफोन सिर्फ बिना कनेक्शन के ही बजते हैं। हेलो। अरे नहीं यार, रॉन्ग नंबर। ये देखिए, 600 रुपए में दुबई, 800 रुपए में कनाडा, और अगर अमेरिका लेंगे तो अहमदाबाद फ्री। पर अहमदाबाद में तो मेरा कोई रहता ही नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो आपको ये स्कीम ले लेनी चाहिए, आपका फोन का जो बिल है वो बहुत कम आएगा। पांडे, पांडे जी आइए जरा। पांडे जी, ये खन्ना साहब हैं, ये हमारी कस्टमर केयर कॉर्नर वाली स्कीम लेना चाहते हैं। इन्हें कॉर्नर में ले जाके कुछ फॉर्म वॉर्म भरवा लीजिए और अपने चीफ इंजीनियर साहब से मिलवा दीजिए। चीफ इंजीनियर? हाँ हाँ, PSVP के S शुक्ला जी, वही सबकी लाइनें मिलाते हैं। वो तो लाइनमैन का काम है। हाँ वो लाइनमैन ही है, लेकिन हमारी कंपनी के चीफ इंजीनियर शुक्ला जी लाइनमैन। अरे शुक्ला जी, आप लोग अरे आप खाम खा टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए शुक्ला जी, चलिए चलिए। अरे अरे जरा सुनिए तो। बोलिए तो। मुझे मंजूर है, कहिए क्या करना होगा। कुछ नहीं करना, ये फॉर्म भरना है, जब भी आपको ISD करना हो ये वाले नंबर मिलाइए और बोलिए लाइन माल ले रे बाबा, लाइन माल ले। ऐसा क्यों? ये हमारा कोर्ट वर्ड है। ओके, 2 करोड़ का एडवांस। क्यों? डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं है। ओके। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये पान थूका। पान इस तरह से थूका जाता है? अच्छा, कैसे थूका जाता है बताइए। अरे मैं कोई पान खाता हूँ जो बता दूंगा कैसे थूका जाता है। जब नहीं खाते तो क्यों जी का जंजाल ले रहे भाई? कमाल है, आदमी यहाँ से गुजर रहा हो किसी के ऊपर पड़ जाए तो। अरे लोग छोड़िए, आप पर पड़ा क्या? नहीं मुझ पर नहीं पड़ा, लेकिन पड़ जाता तो। पड़ जाएगा तो ना भैया, ये शुक्ला लाइन मैन का फान है, लाइन गलत हो सकती है लेकिन पान का ट्वीक वहीं जाएगा जहां डायरेक्ट फेंका है। बोले तो दोबारा फेंक तो दिखा। अच्छा चलिए वहां वहां थूकदान में थूक के दिखाइए। अभी दिए तो कहाँ दिए पैसे? अरे भाई अभी दिए ना। अरे कहाँ दिए? पांडे जी ने पैसे दिए क्या? ना दिए ना, आप अपनी जेब देखिए। अरे जेब में 10,000 होंगे तो वो आपके होंगे, आपने नहीं दिए। बट मैडम, मैडम कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। कतार में? यहाँ तो कोई कतार नहीं है। प्लीज वेट, यू आर इन क्यू। कैसा मजाक कर रही है मैडम आप, यहाँ तो कोई कतार नहीं है, यहाँ मैं अकेला हूँ। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ऑल लाइंस इन दिस रूट आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। नहीं बिजी कहाँ है, कहीं कोई बिजी नहीं है। मुझे तो ना आप बिजी लग रही हैं और ना ही लाइन बिजी लग रही है। ये नंबर मौजूद नहीं है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मौजूद कैसे नहीं है, यहाँ आप मेरे सामने मौजूद हैं और आप ये कड़ाई कर रही हैं, ये तो गलत बात है ना। मतलब आप ऑफिस में तनख्वाह इस बात की लेती हैं? इस नंबर को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है, दिस नंबर हैज बीन टेंपरेरीली डिस्कनेक्टेड। ये कैसी बात कर रही है, किस तरह का ऑफिस है भाई? ट्रिन ट्रिन। मैडम घंटी बज रही है, फोन उठाइए। ट्रिन ट्रिन। अरे फोन अजीब औरत है यार। ट्रिन ट्रिन। क्या है पांडे जी, क्यों बज रहे हो? टीना मैडम ने फाइल भेजी है। हेड साहब को दे आओ, वो बिजी है। तो पटेल को दे दो, वो आए नहीं है। तो कौन करेगा? आप। ओफो, मैं क्या क्या करूंगी? ये कढ़ाई उड़ाएगा काम, आप घर पे क्यों नहीं करते हैं? तो बाकी काम कब करूंगी? कौन से काम? आप है कौन? मेरा नाम मुसद्दीलाल गिल है। पर मैं आपको नहीं जानती। ना ही मैं आपको जानता हूँ। तो फिर यहाँ आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो। तो फिर किसने आए हैं? टेलीफोन का बिल आया है। हाँ, टेलीफोन जो लगवाया है। बिना लगवाया आया है? कभी तो लगवाओगे, हमने एडवांस में भिजवाया है। कमाल है ये, ऐसे कैसे भाई? ये तो हमारा काम फास्ट होता है। KTNL का वादा है कि हर घर में हर चीज समय से पहले पहुंच जानी चाहिए, चाहे वो टेलीफोन हो या उसका बिल। समझे मिस्टर गिल? जी नहीं, मैं नहीं समझा, ना समझ सकता हूँ, ना कभी समझूंगा। अरे भाई मेरे घर पे टेलीफोन लगा नहीं है और 5,000 रुपए का बिल आ गया, ये बात मैं कभी समझ ही नहीं सकता हूँ। डायल किया गया नंबर कृपया जांच ले, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। अरे क्या चेक करूं, ये रॉन्ग नंबर है, जाकर भटके सब से मिलो। हेलो, अबे भूतनी के, अब आग लगी है तो उसके अंदर मैं क्या करूं? ये फायर ब्रिगेड नहीं है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रख दे फोन।
नहीं, बिल तो बराबर है मिस्टर गिल। बराबर कैसे है सर, मेरे घर पे टेलीफोन ही नहीं लगा हुआ। आपके घर पे फोन लगा है, देखिए मिस्टर मुसद्दी लाल गिल, पराठे वाली गली, चांदनी चौक, नई दिल्ली, यही पता है ना आपका? नहीं, पता तो यही है मेरा, लेकिन मेरे घर पे फोन लगा है ये मुझे पता नहीं है। आपके घर पे फोन लगा है, उसका नंबर है 6365268। किसका नंबर है ये? आपके घर का। भाई साहब मेरे घर पे फोन ही नहीं लगा तो नंबर कैसे होगा? कमाल कर रहे हैं आप, KTNL को बदनाम कर रहे हैं। अरे 17/12/1999 को आपने फोन अप्लाई किया। जी हाँ किया। उसके 10 दिन बाद यहाँ से वर्क ऑर्डर निकला, उसके हिसाब से फोन आपके घर पे पिछली सदी में लग चुका है। आप पिछली सदी की बात कर रहे हैं? पिछली सदी से लेकर इस सदी तक मैंने 15 लेटर लिखे हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं जवाब किस सदी में आएगा। तो क्यों दे जवाब जब फोन सदियों पहले लग चुका है? अब बिल आएगा इस सदी में? ये तो हमारी शराफत है कि हमने बिल पिछली सदी में नहीं भेजा। अरे किस सदी के आदमी हो यार तुम? क्या नहीं मतलब मेरा कहने का यह है कि 17/12/1999 को मैंने 3,000 रुपए भरे थे और 10 दिन बाद वर्क ऑर्डर निकला। 10 दिन नहीं, 15 दिन के बाद एक आदमी आया था। और ठीक है टाइम लग जाता है, 15 दिन बाद एक आदमी आया। आप मुझे बात करने देंगे? ठीक है बोलिए, वैसे तब से आप ही बोल रहे हैं। आपके पास बिना बिल के टेलीफोन आ गया? जी नहीं, बिना टेलीफोन के बिल आ गया। हाँ मेरा मतलब वही है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? भाटिया साहब सिंपल है, अपने PSBP स्कीम पर चढ़ा दिया गया होगा। बात कोई और कर रहा है, बिल गिल के नाम आ रहा है। अरे शुक्ला कनेक्शन तो कर देता। भाटिया साहब बगैर चाय पानी के तो हम अपने घर में ना कनेक्शन करें, उसके यहाँ क्या करें? तो वो एरिया मैनेजर के पास कंप्लेंट करने गया है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा अच्छा, उस लाइन मैन ने ऐसा किया? जी। लेकिन था कौन वो? वो वही वही आदमी जो बाहर खड़ा होकर पान थूक रहा है ना, वही मेरे घर पे आया। मैडम 2 सेकंड में बड़ी मुश्किल से उसने मुझसे बात की होगी, लेकिन 3 बार उसने मेरे घर की दीवार के ऊपर पान थूका। अभी तक मेरे घर की दीवार के ऊपर पान के निशान पड़े हुए। ओके लिसन, डोंट वरी एट ऑल, मैं अभी कुछ करती हूँ। हाँ हाँ मिस्टर पटेल जल्दी से अंदर आइए। देखिए आपके घर में आज ही फोन लग जाएगा। थैंक यू मैडम, लेकिन ये बिल? बिल तो आपको भरना पड़ेगा। अरे टेलीफोन लगा नहीं, मैं बिल क्यों भरूंगा? मैं समझती हूँ, लेकिन KTNL को कौन समझाएगा? अगर आप बिल नहीं पे करेंगे तो टेलीफोन कट जाएगा। लेकिन मैडम टेलीफोन तो लगा ही नहीं है ना। टेलीफोन लग चुका है। कहाँ लगा है? ये क्या फाइल में लगा हुआ है? मैडम मैं यहाँ से डायल करके फोन तो नहीं कर सकता ना। देखिए मेरे हिसाब से आपको फोन की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है मैडम, बिल्कुल जरूरत है। तो आप बिल क्यों नहीं पे कर देते? यस मिस। मिस्टर पटेल ये है मिस्टर मुसद्दीलाल बिल, आई मीन ये है मिस्टर मुसद्दीलाल गिल और ये है इनका बिल। Nice meeting you, sir. अब आप देखिए मिस्टर गिल के बिल का आप क्या कर सकते हैं। आई जाइए, जो भी करेंगे यही करेंगे। थैंक यू मिस टीना। टीना हेलो। अरे कल किसने देखा है, मैं तो सारा काम आज ही कर दूंगा जी। थैंक यू। ऐसे काम थोड़ा टेढ़ा है पर डोंट वरी, आप आदमी अच्छे दिखते हैं इसलिए। क्या करते क्या है आप? जी मैं रेलवे में काम करता हूँ। झंडी दिखाते हैं? जी नहीं, रिजर्वेशन क्लर्क हूँ। रिजर्वेशन क्लर्क? अच्छा, कभी रिजर्वेशन करानी होगी तो आपको याद करूंगा, करा देंगे ना? हाँ हाँ जरूर, कभी भी आइए। आप आदमी वाकई अच्छे दिखते हैं। अच्छा हुआ मिस टीना ने आपको मेरे पास भेजा, किसी और के पास भेजते तो फिर दो बातें हो जाती, या तो आपसे रिश्वत मांगता या तो नहीं मांगता। नहीं मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मांगता तो दो बातें होती, या तो आप उसे रिश्वत देते या तो नहीं देते। देते तो काम कर देता, मगर नहीं देते तो दो बातें होती, या तो आपको काम करता या तो लटका देता। काम कर देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर लटका देता तो ऐसा थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है, तभी काम करते हैं साले। मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत तो मैं दे भी देता। जब उन्हें दे देते तो मुझे भी दे दीजिए। हाँ मिस्टर गिल, मैं आपका बिल नील कर दूंगा, बस मेरी जेब फिल कर दीजिए। कितने भाई? आप एक टिकट के रिजर्वेशन में कितना खाते हैं? देखिए बड़ा जड़ा के मत बोलना, जो है वही बोलना। ओके शर्माइए मत, हम सब एक हैं। यही कोई 10-25% लेते हैं बस। तो फिर मैं आपसे 25% से ज्यादा नहीं लूंगा। ओके मतलब 5,000 के 25% 1,250 होते हैं, आपका बिल 500 का करा दूंगा। तो क्या है कि 5,000 का बिल है और आपका 2,000 से भी कम में काम पड़ जाएगा, मंजूर है? मंजूर। वेरी गुड मिस्टर गिल, वेरी गुड। ये आपने बहुत अकलमंदी की बात की है, वरना आप लटकते रह जाते। हाँ बिना कभी चाय पानी के किसी को किसी का कनेक्शन करते हुए देखा है आपने? नहीं, ये सब क्या है, हम सब एक हैं। सब बताते हैं पहले। क्यों ले लूं? भाई आप मिठाई भी खिलाइए फोन लगने की खुशी में। फोन तो लग जाए पहले। लग जाएगा, अभी मैनेजर साहिबा ने कह दिया है और। अच्छा। अरे 100 रुपए से क्या होगा, जल्दी मिठाई लाइएगा, मैं जरा चलने वाला हूँ, जाने वाला हूँ अभी। अभी लाता हूँ जी। और ये, अरे ये तो यही थी,
हाँ मंगा के रखते हैं, यहाँ जरूरत पड़ती रहती है ना। तो आपने पैसे क्यों लिए मुझे? अरे लेकिन मिठाई तो आप खिला रहे हैं ना। अच्छा चला ये डब्बा दे। अरे और लोग भी तो आते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। प्लीज वेट, यू आर इन क्यू। मैडम मैं यहाँ बहुत परेशानी में आया। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। ऑल लाइंस इन दिस रूट आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि पटेल साहब कहाँ मिलेंगे। डायल किया गया नंबर कृपया जांच ले, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके नंबर पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। This number does not have this facility. अरे यार क्या अजीब औरत है। हेड साहब जी, अब महीने भर से लगा हूँ, अब मेरा फोन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, फोन किसके नाम पे है? जटा शंकर वाजपेयी। और किसके नाम पे ट्रांसफर करना है? मेरे, रामलाल गुप्ता। और ट्रांसफर नहीं हो रहा है? जी हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ। तो एक काम कीजिए, नाम ट्रांसफर कर लीजिए। जी जी, अपना नाम रामलाल गुप्ता से जटाशंकर वाजपेयी कर लीजिए। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये आसान रहेगा। धन्यवाद। अरे अजीब आदमी, खाली धन्यवाद देके चला गया। आने दो इसका बिल। आ गया है बिल। मुसद्दी लाल गिल। जी ये है मेरा बिल। हाँ, अरे वाह, आपने तो बहुत तरक्की कर ली। लास्ट टाइम जो बिल था 5,000 का था, अब ये 50,000 का है। वाह वाह भाई, आप लोगों के भरोसे टिका हुआ है KTNL। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भाटिया साहब, ये मेरे फोन का बिल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, आपका नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ये सब फोन नहीं किए। अरे तो वाइफ ने किए होंगे। नहीं, वाइफ ने नहीं किए। तो किसने कर दिया ये फोन? लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, पेरिस। अरे भाई, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, पेरिस में मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता। अरे तो नाइजीरिया में रहता होगा, वहाँ पे भी हुआ है फोन। नहीं रहता है, मैंने ये फोन नहीं किए। कमाल की बात है, जब फोन किए तो मान क्यों नहीं लेते, भर क्यों नहीं देते 50,000 रुपए? हमने तो पहले ही कहा था कि BSPB स्कीम ले लो, नहीं ली तो भुगतो। क्यों भुगतो जब मैंने ये फोन ही नहीं किए हैं तो? अरे तो किसने किए हैं? अरे मुझे क्या पता। हेलो जी, हाँ ये पागलों का अस्पताल है और मैं सबसे बड़ा पागल बोल, नहीं मैं पागलों का डॉक्टर बोल रहा हूँ। कौन पागल हो गया? बीवी। हाँ तो ठीक है, हम आते हैं लेने के लिए। ओके मिस्टर गिल, आपके बिल का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि जब बिल आ जाएगा तो आप मेरी मदद करेंगे जरूर। हाँ कहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, या तो बिल भर दीजिए या फिर फोन कटवा दीजिए। कैसे कटवा लूं फोन? ये फोन मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं वो PSB जो भी है आपकी उसको ज्वाइन कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता। 5% बढ़ा दूंगा। नो 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 भाई, 10% बढ़ा दूंगा। अरे भाई बात मेरे हाथों में नहीं है। 15% बढ़ा दूंगा। अरे भाई मेरे हाथ से बात निकल चुकी है। 20% बढ़ा दूंगा। हाथ मिलाई, एक मिनट। हेलो, हाँ जी मेंटल हॉस्पिटल है ये, मैं मेंटलों का डॉक्टर बोल रहा हूँ। कौन मेंटल हो गया है? सास, बांध के रखिए उन्हें, हम अभी आते हैं लेने के लिए। अब हाथ मिलाइए। अच्छा एक बात बताइए भाटिया साहब, ये जो फोन आता है आप उस पे कह देते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल है ये, जबकि है ये टेलीफोन एक्सचेंज। भाई क्या करूं, अगर नहीं बोलूंगा तो बोलना पड़ेगा रॉन्ग नंबर और उससे KTNL की बदनामी होगी। और वो लोग जिनसे आप कह देते हैं कि आप अभी आ रहे हैं, वो लोग इंतजार करेंगे पागलखाने के डॉक्टरों का, गालियां देंगे हमें, नहीं मेंटल हॉस्पिटल को। खैर छोड़िए, अब जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। आप ये फाइल लेके एरिया मैनेजर के पास जाइए। ओके। नहीं नहीं, मेरी लिप्सी ने तो 2 बच्चे दिए 2। हाँ। अच्छा नेक्स्ट टाइम जब तू अमेरिका से इंडिया आएगी ना तो अपने जंबो को साथ में लाना, ताकि लिप्सी के नेक्स्ट बच्चे इंडो अमेरिकन हो, ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। हाँ आ, एक मिनट। हेलो, हाँ भेज दो। हाँ बोल। अच्छा जंबो खाता क्या क्या है? अच्छा इतना सब कुछ। अच्छा एक मिनट होल्ड कर, मुझे किसी से बात करनी है, फिर तेरे से बात करती हूँ। होल्ड करना, रखना मत, तुझे लिप्सी की टाइट बताऊंगी। एक मिनट। हाँ जी बोलिए। मैडम माय सेल्फ मुसद्दीलाल गिल। अगेन प्रॉब्लम विद योर बिल। एक्सक्यूज मी, एक बात मुझे बताइए, अगर आपके घर में IST भी नहीं है, STD भी नहीं है और आपने कभी कोई ट्रंक कॉल भी बुक नहीं किया है, फिर भी आपका फोन अमेरिका, लंदन, पेरिस वगैरह घूम के वापस आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले आप मुझे एक बात बताइए। हाँ जी पूछिए। क्या आपको भूत प्रेत पे विश्वास है? भूत प्रेत में अब होने लगा मैडम। अरे होना क्या था भाटिया साहब, लंदन, दुबई, अमेरिका, पेरिस, सब जगह अपने PSPB वाले फेंक। और नाइजीरिया उसके सबसे ज्यादा थे, 5,000 रुपए। वो थोड़ा पर्सनल था, वो बड़े वाले मामा जी नहीं है? हाँ कैसे है वो? अच्छे, उन्हीं के छोटे बेटे से बात हो रही थी। अरे तो यार इतनी कितनी बात कर ली तुमने? 10 मिनट। और बाकी 1 घंटा जंगल से बुलाने में लग गया ना। एक मिनट। हाँ पटेल साहब जरा जल्दी अंदर आइए।
देखिए इसमें KTNL की कोई भी गलती नहीं है। आपने नंबर डायल किया होगा तभी बिलाया, ऐसे तो बिला ही नहीं सकता। मैडम जब बिना फोन लगे बिला सकता है तो बिना नंबर डायल के भी तो बिला सकता है ना। अब गरीब मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा ना। यस मिस, बुलाया। हाँ जी, जरा अंदर आइए। देखिए पटेल साहब, ये मिस्टर बिल के गिल का कुछ। बिल का गिल नहीं, गिल के बिल का कुछ करना। एक ही बात है, मुझे तो दोनों एक ही लगते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। जी देखिए, यू डोंट वरी, आप इन्हें ले जाइए, जो कुछ बन पड़े आप करिए, सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू मिस टीना। बताया था ना लास्ट टाइम, थोड़ी पतली हो गई। और मैं, आप तो वैसे वैसे ही। हेलो मिस्टर गिल, आप तो तकदीर वाले हैं कि मिस टीना आप पर मेहरबान है। बात यह है कि भाटिया साहब ने मुझे एक सजेशन दिया था। दरअसल क्या, उन्होंने ये कहा था कि मिस टीना जब ISD मतलब इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट वाली कॉल कर रही हो, उस वक्त घुस जाओ अंदर तो काम यूं निपट जाएगा। भाटिया ने कितना लिया इसका? किसका? अरे भाई सजेशन का। कुछ नहीं। क्या झूठ मत बोलिए। अरे बताइए ना, हम थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। 500 रुपए पर विजिट। अच्छा गुड, चलो काम तो हुआ, काम होने से मतलब है ना। देखिए ना, ये अच्छा हुआ आप मेरे पास आए, ना आते तो ना आते, आए हैं तो दो बातें हो जाएगी, या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा। नहीं नहीं, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, होगा तो दो बातें होगी, या तो आप खुशी से चाय पानी देंगे या तो नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो फिर दोबारा काम मुश्किल हो जाएगा, मगर देंगे तो भाई देना ही है, तो पहले दिया बाद में दिया क्या फर्क पड़ता है, पहले दे दीजिए, काम करने का मजा आता है। जी क्यों मिस्टर गिल, बिल ठीक हुआ आपका? बस जी हो रहा है। पटेल साहब, इन्होंने अपनी PSBP स्कीम ज्वाइन करने का वादा किया है, और वो भी 20% ज्यादा दाम में। लीजिए यहाँ साइन कीजिए, 2 कॉल का एडवांस दीजिए, फॉर्म हम खुद भर लेंगे। पानी जी मिठाई बनती है भाई? बिल्कुल बनती है, लाइए पैसे दीजिए। अरे आप ड्रॉर से मिठाई तो निकाल लाइए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं यार। ये लीजिए, पैसे दीजिए। देता हूँ भाई ये। संभाल लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भविष्य में। पक्का? पक्का, पक्का। मैडम आप कतार में हैं। हेलो, हाँ जी ये पुलिस स्टेशन है, मैं इंस्पेक्टर भाटिया। अच्छा ठीक है, हम पहुंचते हैं बहुत जल्दी। हाँ भाटिया साहब। अरे मुसद्दी जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? मेरा फोन नहीं लगता। अरे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पर हो रहा है, मेरा फोन नहीं लगता। अरे तो आप फोन पे कंप्लेंट कर देते, आपने आने की तकलीफ क्यों की? अरे फोन लगता ही नहीं है तो मैं फोन पे कंप्लेंट कैसे कर देता? ओ हाँ सही बात है, क्या डेड है? नहीं नहीं डेड नहीं है, अव्वल तो लगता ही नहीं है, और अगर लगा हो तो कहीं रॉन्ग नंबर लग जाता है। ऐसा कैसे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पर हो रहा है। क्या हुआ भाटिया, क्या हुआ मिस्टर गिल? मेरा फोन नहीं लगता है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, लाइनमैन डिस्टर्बेंस होगा। क्या बात कर रहा है पांडे, शुक्ला लाइनमैन के होते लाइन में कभी डिस्टर्बेंस हो सकता है क्या? मेरा फोन नहीं लगता। अरे तो आपको लगाना नहीं आता होगा। हाँ नंबर प्यार से दबाना चाहिए ना, ऐसे फेदर टच। हाँ जैसे मैं लगाता हूँ अपने घर पे। हेलो कैसी हो, क्या लाऊं तुम्हारे खाने के लिए है? क्या ये पुलिस स्टेशन है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपको रिश्वत देने की कोशिश नहीं कर रहा था, गलती से रॉन्ग नंबर मिल गया, सॉरी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सचेंज में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अरे भैया आप सब लोग खामोश क्यों हैं, मुझे बताइए ना कि मेरा फोन क्यों नहीं लगता। क्योंकि ये KTNL का फोन है। तो लेकिन मेरा फोन नहीं लगता। यही तो, KTNL का यही मतलब है। KTNL का मतलब होता है कलानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नहीं इसका मतलब है किसी का टेलीफोन नहीं लगता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।